Hello and welcome students. Today we are going to see new chapter in our English subject, that is an officer and a gentleman. Okay, तो आज जो हम लोग ये स्टोरी देखने वाले हैं ये एक आर्मी ऑफिसर की स्टोरी है, इंडियन आर्मी ऑफिसर. ओके, ये बहुत ही गर्व की बात होती है हमारे लिए कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं. अपने घर को सबको छोड़कर वो खुद हमारी रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए वो दिन रात तैनात रहते हैं. हर मुश्किलों से, हर खतरों को वो अपने सीने पर लेते हैं और हमें आज इतनी सुकून की ज़िंदगी जो मिल रही है ये सिर्फ और सिर्फ उनके बदौलत है. आज अगर वो नहीं होते तो शायद हम लोग इतने सेफ खुद को फील नहीं कर पाते थे. बहुत से लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है हमारे देश के लिए. हमारी बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं जिसमें कि हमारे इंडियन ऑफिसर्स ने बहुत ही अच्छे से लड़कर, बिना डरे लड़कर, और हमें उन्हें गर्व प्रदान किया गया है. परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, ये जो चक्र, ये जो अवार्ड्स मिलते हैं ये ब्रेवरी अवार्ड्स मिलते हैं इंडियन आर्मी को. ओके, तो आप में से भी किसी का सपना होगा, आपके भी किसी के फादर्स आर्मी मैन होंगे, है ना. सो जिसके भी फादर आर्मी मैन हैं, सोल्जर्स हैं, मैं उन सबको सैल्यूट करती हूँ एंड आई रियली फील वेरी मच प्राउड ऑफ द स्टूडेंट्स, दोज हु आर द आर्मी स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द टाइम ऑफ देयर फादर एज मच एज दे कैन गेट. ओके, उनको अपने पिताजी के साथ में उतना वक्त गुजारने का समय नहीं मिल पाता है क्योंकि वो देश की सेवा करने के लिए उनसे दूर रहते हैं, है ना. So, I really feel very nice to tell you that today we are going to see that same lesson that we will feel the very proud of the man. ऐसे एक इंडियन आर्मी सोल्जर की स्टोरी देखने वाले हैं आज. चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मैं रीड करूँगी, फिर आपको धीरे धीरे वो एक्सप्लेन करूँगी. कर्नल वसंत वेणुगोपाल. ओके, यहाँ पर हम लोग किसकी स्टोरी देख रहे हैं, वसंत वेणुगोपाल. वॉज बॉर्न ऑन 25th of March 1967 टू प्रफुल्ल एंड एन के वेणुगोपाल इन बेंगलुरु, इंडिया. ओके, इनका जन्म 25 मार्च को प्रफुल्ल एंड एन के वेणुगोपाल इन बेंगलुरु इनके साथ में हुआ था. ही वॉज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स. वो अपने भाइयों, दोनों भाइयों से छोटे थे. His father work required the family to travel throughout the Karnataka. Thus, the family moved to Udupi, Shimoga and Bengaluru. इनकी जो फादर थे, उनका जो वर्क था, उसकी वजह से उनको कर्नाटक में हर जगह पर जाना पड़ता था, ट्रैवल करना पड़ता था. तो उनकी फैमिली कहाँ कहाँ पर मूव हुई थी, उडुपी, शिमोगा एंड बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है. ठीक है. कर्नल वसंत स्कूल नोटबुक्स वर ऑलवेज फिल्ड विद डिटेल ड्राइंग ऑफ बैटल ट्रंक्स एंड यूनिफॉर्म सोल्जर्स. जब वो छोटे थे तो उनकी जो स्कूल के नोटबुक्स थे उनको तभी से बैटल्स की और सोल्जर्स यूनिफॉर्म की उनको बहुत, मतलब इससे पता चलता है कि वो बचपन से ही चाहते थे कि वो आर्मी ज्वाइन करें. ओके, उनका आर्मी में ज्वाइन होने का जो सपना था वो बचपन से ही था. ये कैसे पता चलता है, क्योंकि उनके जो बुक्स थे वो हमेशा इस ड्राइंग से भरे हुए रहते थे, यूनिफॉर्म वाले सोल्जर्स से. ही लव्ड रीडिंग वॉर स्टोरीज एंड वॉर एक्सट्रीमली फैसिनेटेड विद द आर्मर्स टैंक्स एंड वेपनरी. मतलब जब वो छोटे थे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉर स्टोरीज रीड करना पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद था उनको. और जो वेपनरीज होते हैं, आर्म टैंक्स होते हैं, उनके बारे में मालूमात करना, उसके बारे में क्या है, कैसा है, उसके बारे में उनको बहुत जिज्ञासा रहती थी. सच वॉज हिज रिवेंज फॉर द यूनिफॉर्म. उनका जो इस यूनिफॉर्म के प्रति जो श्रद्धा थी, जो फेथ था,
वो हम बचपन से उनका देख सकते हैं, क्योंकि ही वो कायपे से पता चल रहा है, बिकॉज ही नेवर फेल टू सैल्यूट अ पोलिसमैन और अ गार्ड ऑन अ ड्यूटी। वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी आर्मी को, आर्मी मैन को या पोलिसमैन को या गार्ड को, जब वो ड्यूटी पर रहते हैं, उस यूनिफॉर्म को वो हमेशा सैल्यूट करते थे। ओके, तो ये उनका उस कैरेक्टर के लिए और या उस यूनिफॉर्म के लिए जो उनका जो श्रद्धा थी वो उससे दिखाई देती है। ठीक है, इन कॉलेज ही ज्वाइंड द नेशनल कैडेट क्रॉप एंड पार्टिसिपेटेड इन द इंडो कैनेडा वर्ल्ड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन 1986 एंड 87। नेशनल कैंडेट क्रॉप्स मतलब NCC। ओके, जब वो कॉलेज में थे तभी उन्होंने NCC ज्वाइन की थी, और उसके बाद में उन्होंने इंडो कैनेडा वर्ल्ड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो हुआ था उसमें भी वो पार्टिसिपेट किए था उन्होंने 1986-87 में। कर्नो वॉसन ज्वाइन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, ये एक ऐसी एकेडमी होती है जिससे हम लोग इंडियन मिलिट्री फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहाँ पर थी? देहरादून। और उन्होंने कब ज्वाइन किया था? 1988। ऑन 10 June 1989 ही वॉज कमीशन्ड इनटू अ मराठा लाइट इन्फेंट्री। जो ट्रैवल करने वाली जो सेना होती है उसको उन्होंने ज्वाइन किया था कभी 89 में। देखो 88 में उन्होंने मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की और 89 में ही उन्होंने मराठा लाइट इन्फेंट्री ज्वाइन की। इन द मिलिट्री करियर स्पैनिंग द 18 ईयर्स, मतलब उन्होंने उनका जो मिलिट्री करियर था वो करीबन 18 ईयर्स का था, 18 साल का। उस टाइम पर उन्होंने उनकी कहाँ कहाँ पर बदली हुई थी, उन्होंने कहाँ कहाँ पर सेवा की है? पठानकोट, सिक्किम, गांधीनगर, रांची, बेंगलुरु एंड वेरियस सेक्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, यहाँ यहाँ पर उनकी बदली हुई थी और यहाँ यहाँ पर उन्होंने सर्व किया था। उनका जो मोटो था, आई गो एवरीवेयर माई मैन गो, आई गो वेयर माई मैन गो, मतलब मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ मेरे लोग, मेरे आदमी, मेरे फोर्स जाती है, वॉज द मोटो ऑफ द ब्रेव ऑफिसर। ओके, ये उनकी शूरता थी, ये इतने ब्रेव थे कि उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं कहा कि ठीक है तुम लोग यहाँ यहाँ पर जाओ, तुम लोग लड़ो, मैं यहाँ से आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, ऐसे उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा खुद को उनके बराबरी का रखा और वो लोग उनके साथ में रहे, ऐसे जगह पर वो काम करते थे। ही ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड वुड विद हिज ट्रूप इवन टू फेस द ग्रेट डेंजर। कितनी भी खतरनाक जगह हो, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आओ, तभी भी वो सबसे आगे होते थे और अपने ट्रूप के साथ भी होते थे। ये दिस डेयरिंग ऑफिसर वॉज एट हर्ट अ मैन ऑफ पीस। ओके, इतने डेयरिंग वाला ऑफिसर तो था, लेकिन वैसे वो दिल से बहुत ही शांति प्रिय इंसान था। हु एंजॉयड द सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ, जो कि हर छोटी चीज़ों में, सिंपल थिंग्स में भी अपनी खुशी मानते थे। ही काउट फॉर द मोस्ट मुंडेड ऑफ एक्टिविटीज दैट एवरी वन टेक्स फॉर ग्रांटेड। मुंडेना मीन्स रूटीन वर्क। ओके, जो लोगों के हमेशा रूटीन वर्क होता है, जो कि लोग हमेशा एंजॉय भी करते हैं, वो हर छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते थे, जैसे कि ऑर्डरिंग अ पिज़्ज़ा, ईटिंग हॉट चॉकलेट फॉर एंड ड्रिंकिंग फिल्टर कॉफ़ी। ओके, कर्नल वसंत वॉज द प्रोटेक्टर एंड क्रिएटर, मतलब कर्नल वसंत ये रक्षक भी थे और क्रिएटर भी थे, मतलब कोई नई चीज़ बनाना। वॉज एंड ऑल वैल्यूड लाइफ इन एवरी फॉर्म, वो हर छोटी चीज़ों को हमारे अपनी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू देते थे। दिस वॉज एविडेंट बाय एन एक्सीडेंट दैट ऑकर इन द माउंटेन्स, मतलब ये एक ऐसा एविडेंस हुआ था जिससे कि हमें ये पता चलता है। एविडेंट मतलब ये उस चीज़ की साक्षरता है जो इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था। कहाँ पर? माउंटेन ऑफ द सिक्किम इन द विंटर ऑफ 1993 में। क्या हुआ था वो हम लोग देखेंगे।
ड्यूरिंग अ रूटीन पेट्रोल, ओके, जब वो वहां से जा रहे थे रूटीन वर्क करते हुए, वसंत एंड हिज टीम स्पॉटेड सम मूवमेंट इन द अंडरग्राउंड बिलो द अंडरग्रोथ बिलो अ क्लिफ. दे मेड देयर वे केयरफुली टू द एजेस ऑफ द क्लिफ, ओनली डिस्कवर दैट इट वॉज अ डियर कॉट इन द हंटर्स स्नेर. None of the soldiers were ready to go down to steep slope to rescue the deer. मतलब जब वो ऐसे जगह से जा रहे थे माउंटेन एरिया से क्लिफ से बचते हुए, तब उन्होंने क्या देखा कि एक हंटर जो कि डियर हंटर ने जिस डियर के लिए जो जाल बिछा के रखा हुआ था उसके ट्रैप में वो अटक गया था. हंटर्स ट्रैप में डियर वॉज बीन कॉट, ओके, तो उस जाल में वो हो गया था और वो वहां से निकल नहीं पा रहा था और कोई भी सोल्जर वहां से रेडी नहीं था कि वो इतने स्टीप स्लोप से उसको छुड़ाकर बचाकर ला सके. रेस्क्यू करना मतलब बचाना, क्योंकि वो स्लोप कैसा था, एकदम स्टीप था, क्योंकि वहां से अगर हम लोग गिरे तो हम लोग बच नहीं सकते. बट वसंत कुड नॉट जस्ट वॉक अवे एंड नाइदर वुड बी फोर्स इज मैन टू डू वॉट ही हिमसेल्फ नॉट बीन प्रिपेयर टू डू. मतलब वसंत का अब ऐसा हो गया था कि वो खुद वहां से जा भी नहीं पा रहा था कि वो अनदेखा करके आगे चला जाए, ऐसे भी वो नहीं कर पा रहा था, और वो किसी इंसान को, उसके जो फोर्स के जो लोग थे वो उनमें से भी किसी को भी ऑर्डर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो खुद उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि उनको पता था ये बहुत ही खतरा है वहां पर. सो ही मेड हिज वे डाउन द प्रिसेरियस. प्रिसेरियस मतलब डेंजरस एरिया टू वॉक ऑन, ओके. ही मेड हिज वे मतलब वो खुद वहां से गए. रिस्की हिज लाइफ टू सेट द एनिमल फ्री. क्या के लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला, रिस्क ली उन्होंने, क्यों, तो उन्हें अपने उस एनिमल को फ्री करना था. इट वॉज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट सेटिस्फेक्शन टू हिम. ये बहुत ही ऐसी मोमेंट थी कि जिससे कि उनको खुद को संतुष्टि मिली. ये चीज करके बोलते ना, जब हम लोग कुछ करना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, और जब वो करने में हम लोग सफल हो जाते हैं तो एक अजीब सा आनंद मिलता है हमें, ओके, और वो एक संतुष्ट फील करते हैं हम लोग खुद को. ऐसी फीलिंग उनको उस टाइम पर हुई. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर दैट हाउ एंड विथ What a bravery he has rescued the deer, okay, from the caught in the trap, who was caught in a trap of hunter, okay. Now, in our next video, we will see the next part.